देखिए लोग किस प्रकार का रिस्क ले रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है, क्योंकि ये जो रोड है जिस पे स्नो गिरी है, इस पे जो है प्रशासन को मिट्टी डालनी चाहिए थी ताकि जो है इस पर गाड़ियाँ स्किट ना हो, आराम से चल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक स्नो कटर आया है, वो भी हल्का फुल्का सा काम कर रहा है जितना उससे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। वो देखिए गाड़ी, ये देखिए धक्का लगा रहे हैं और ये देखिए कैसा रिस्क ले रहे हैं। ये जबरदस्ती कर रहा है, बेकार कर रहा है जबरदस्ती, क्या फायदा ऐसी जबरदस्ती करके, ऐसा रिस्क लेके कोई फायदा नहीं। शिमला में जो स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से जो है काफी भारी जाम है, हमें लग रहा है। पार देखिए स्नोफॉल, कल रात को ये स्नोफॉल हुआ है और इस वजह से जो है फिसलन है सड़क पे और जाम लग चुका है। ये देखिए क्या हालत हो चुकी है यहाँ जाम लग करके। हालांकि धूप अच्छी खासी खिली है लेकिन फिर भी जाम खोलने में तकरीबन 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे, काफ़ी लंबा जाम है। ये सब स्नोफॉल की वजह से हुआ है। ये देखिए पीछे की स्थिति, पीछे की जो हालत है वो ये हो रखी है। यहाँ पर आपको स्नोफॉल दिखाते हैं जो रात को गिरा है स्नोफॉल, ये देखिए। ये शिमला का जो है हीरा नगर इलाका है जहाँ से जाम लगा है और मुझे जाना है होटल सी, वहाँ से मेरी पिकअप है, लेकिन मुझे लगता है 3-4 घंटे आराम से वेट करना पड़ेगा। स्नोफॉल देखिए कैसे गिरी है और ये पार जो है काफ़ी गजब की स्नोफॉल हो रखी है। यहाँ पहले देखिए वो पार, वहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए कैसी स्नोफॉल हो रखी है पार। यहाँ पे जो ये पहाड़ है स्नोफॉल के बाद काफ़ी खूबसूरती सी नज़र आ रही है। सामने जो है एक स्नो कटर आया है और बिल्कुल पीछे खड़ा है। यहाँ पर रोड में फिसलन देखिए, ये जो ये चीज़ है इस पे गाड़ी स्किट होती है, फिसलती है। ये देखिए शूज भी इसमें फिसल रहा है मेरा। सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हीरा नगर का पेट्रोल पंप जाम खुलने के कोई आसार नहीं। ये देखिए ये आ चुके हैं स्नो कटर। स्नो को जो है बकेट में उठा के ला रहा है, जो रोड पे स्नो गिरी है। आगे जो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, इस जगह हालत काफ़ी ख़राब है, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की। ये देखिए बिल्कुल फिसलन वाला माहौल यहाँ पे बना हुआ है रोड का। शायद 2-3 घंटे में ये सब साफ हो जाएगा क्योंकि धूप भी है और ये जो है बर्फ़ जो है ये पानी वाली सी बर्फ़ है, शायद पिघल जाएगी, लेकिन अभी जो है हालात काफ़ी ख़तरनाक है यहाँ पे। इसके ऊपर जो है मिट्टी डालनी पड़ेगी तब जा कर के यहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी। जब तक बस नहीं निकलेगी तब तक छोटी गाड़ियाँ निकलेगी। वो सामने कह रहे हैं कि जब तक बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी तब तक जो छोटी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। मीडिया वाले भी यहाँ पे पहुँचे हुए सामने, मैं दिखाता हूँ आपको, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है।
ये देखिए ये सामने मीडिया कर्मी ये है मीडिया कर्मी जी न्यूज़ वाले यहाँ पे आए हुए। बाहर के हालात जो है काफ़ी ख़तरनाक है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और प्रशासन ने तो है लोगों को गिरने पड़ने फिसलने के लिए इस बर्फ़ पर छोड़ दिया है, इस स्नो पर छोड़ दिया है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। एक स्नो कटर आया है वो आया ना आया बराबर है, क्योंकि वो कुछ खास करके नहीं गया, जितना सा उससे होता था उतना सा वो करके चला गया। ना कोई ट्रक या टीपर यहाँ पर आ रहा है जो मिट्टी डाल सके इस रोड पर और रोड बहाल हो सके। हालांकि मौसम साफ है, अगर प्रशासन चाहे तो रोड जो है बहाल हो सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। तो यहाँ पर लोगों को जो है छोड़ दिया है राम भरोसे के, भाई ऊपर वाले के भरोसे तुम रहो और यहाँ गिरते पड़ते फिसलते रहो। तो ये हाल है यहाँ शिमला प्रशासन का। सुबह 8:30 बजे से लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं क्या सब लोग बैठे हैं जो यहाँ पर फंसे हैं जाम में, और यहाँ पर 1:30 बज चुके हैं, 5 घंटे हो चुके हैं। तो ना कोई टिपर ट्रक आता है यहाँ पर इस स्नो के ऊपर, इस बर्फ़ के ऊपर मिट्टी डालने के लिए ताकि रोड बहाल हो सके। स्नो कटर आया है वो आया ना आया ना के बराबर है, जितना सा उससे कार्य होता है उतना सा वो करके चला गया है, और अब कुछ भी नहीं है। अब हम जो ऊपर वाले के भरोसे हैं। धूप लगी है, अच्छा खासा मौसम बना है, रोड ऊपर से खुलेगा, जब धूप लगेगी बर्फ़ पिघलेगा स्नो पिघलेगा खुद ब खुद खुलेगा, प्रशासन को हमारी कोई फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं है। तो ये हाल है शिमला प्रशासन के। तो हालत और सिचुएशन अभी भी ख़राब, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और मैं नेचुरल ब्यूटी को भी कैप्चर करता हूँ अपने चैनल में, और इस प्रकार की जो कंटेंट रहते हैं जैसा आज का कंटेंट है ये भी मैं पेश करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।